मार्डेका जो है बंद था पिछले 2013 के बाद से मार्डेका हुआ नहीं था वहाँ पे। तो हमने मलेशिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट से जब मिला था AFC के दौरान, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था यदि आप मार्डेका को दोबारा शुरू करते हैं तो अच्छा रहेगा, और यदि आप शुरू करने के बाद भारत को भी बुलाते हैं तो भारत में फुटबॉल प्रेमियों में मार्डेका का जो है बहुत नाम है, लोकप्रियता है, और मार्डेका को हमारे देश के मीडिया, हमारे देश के फुटबॉल के लोग एक बेंचमार्क समझते हैं कि मार्डेका में फलाना सुभाष भौमिक ने हैट्रिक किया या कोई अच्छा खेला। तो मैं कहा कि मार्डेका के साथ भारत का एक अच्छा लगाव, तो ही वॉज काइंड इनफ एंड आई वुड लाइक टू थैंक हिम दैट उन्होंने मेरा सुझाव को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मार्डेका, उनके लिए इंडिपेंडेंस का नाम मार्डेका है, देयरफॉर उन्होंने गवर्नमेंट के साथ बात करके फिर मार्डेका को रिस्टार्ट करेंगे। ऐसा उन्होंने कहा कि संभव इस साल जो अक्टूबर में वो मार्डेका करेंगे और भारत को बुलाएंगे। तो ये इट वाज मोर ऑफ फ्रेंडली जेस्टर, फ्रेंडली व्यूज एंड ओपिनियन एक्सचेंज, एंड देयर आफ्टर ही एग्रीड दैट। नहीं, ये तो चाहते हैं ना कि इंडियन प्लेयर वो कम अप करे और ISL में खेले, लेकिन वो टीम तो ISL में नहीं जाएगी, क्योंकि स्टेट लीग के जो टीम है स्टेट लीग में खेल रही है, I-League 2 जो है I-League 2 में खेल रही है, वहाँ से क्वालिफाई करके I-League 1 में आ सकती है। लेकिन आइडिया क्या है, मान लीजिए आपके हर टीम में कम से कम 3 फॉरेनर होते हैं, 2 स्ट्राइकर 1 डिफेंडर, नहीं तो 1 स्ट्राइकर 1 सेंट्रल मिडफील्डर 1 डिफेंडर, यही होता है। तो इस रेशियो में हमेशा एक टीम के पास स्ट्राइकर की पोजीशन हमेशा फॉरेन प्लेयर से ही ऑक्यूपाई रहता है, जिसके कारण हमारे पास गोल करने वाला इंडियन स्ट्राइकर की कमी है। नो आई मीन आप जो सोच रहे हैं 5 साल आगे का सोच रहे हैं, पहले हम अपने देश के स्ट्राइकर बना तो ले, है ना, उसके बाद तो करेंगे। आज की तारीख में इंडियन स्ट्राइकर जो है उस हिसाब से ISL में कम है, I-League में कम है, तो कम से कम उस कंपटीशन को क्रिएट कर दे, उसीलिए वी आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर देम। अनलेस यू प्ले, अनलेस यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, हाउ विल यू नो शाइन। देखिए प्रोसेस इन द सेंस, इवन प्लेयर जो है अच्छा खेले, अच्छे खेलने के लिए उनको अच्छा कंपटीशन मिले, अच्छा कोच मिले। तो लास्ट मंथ हम लोग स्पेन फुटबॉल फेडरेशन के साथ हमारा एक चर्चा रहा, और वहाँ पे जो कि स्पेन ने वुमेन फुटबॉल में भी अच्छा किया, मेन फुटबॉल में भी अच्छा कर रहे हैं, तो उनसे हमने कहा कि आप जो है हमें 3 वुमेन फुटबॉल कोच दें, ताकि ये कोचेस जो है हमारे यहाँ पे वुमेन फुटबॉलर के डेवलपमेंट में एक सहायक बन सके। और जब आपने मान लीजिए क्या है, अभी तक हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं था कि इतने नंबर ऑफ मैचेस, इतनी नंबर ऑफ क्लब टीम्स होनी चाहिए और ये खेल होना चाहिए। हम एक वुमेन चैम्पियनशिप के नाम पे एक टिकिंग द बॉक्स कर देते थे, फलाना जगह पे 6-8 टीम आ जाए और मैच खेल के चला जाए, 15 दिन 18 दिन 20 दिन में टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए। तो वहाँ से बाहर आने के लिए एक क्या कम से कम 3-4 महीना का लीग हम कर सकते, क्या हम होम एंड अवे मैचेस कर सकते, क्या मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस हम दे सकते हैं, क्या मिनिमम एक सैलरी हो सकती है। हम ऐसे तो मुझे ऐसा सुनने में आया मिजोरम में 4 लड़की अच्छा खिलाड़ी थी और उनको मिजोरम टीम में लिया गया था, फिर जब मिजोरम टीम को बाहर खेलने आना था वो खेती में जाना है, उनको खेती करने के लिए ज़मीन में जाना है, इसलिए वो खेलने नहीं आई। तो एक नेशनल टैलेंट है, नेशनल लेवल का प्लेयर, स्टेट लेवल का प्लेयर, वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उस घर में ज़मीन जोतना है, जो डेफिनेटली हम तो नहीं चाहते हैं ऐसा। तो कम से कम वो आए और एक बेसिक मिनिमम उनको पता चले कि हम अपने मेहनत करने से इतना हम अपने मिल सकता है, इतना हमें एक सैलरी मिल सकती है जिसे हम कॉम्पेंसेशन कहें, जितना अपने पारिश्रमिक कहें, मेहनत ना कहें। तो उसमें मैं समझता हूँ कि पहले हम वो फोकस करें, देयर आफ्टर मान लीजिए एक लीडरशिप हो, वुमेन को लाना हो, थ्रू प्रोसेस आते रहे। आपने जैसे बोला कि कोई लोग आप प्रोवर्स कप ये जो लेगेसी टूर्नामेंट्स हैं इन सबको प्रमोट करना चाहते हो आप, तो फील्ड कप के बारे में भी कोई प्लानिंग है? और तो दूसरी चीज ये कि जैसे सर ने अभी संतोष ट्रॉफी का बात बोला, अच्छी है कि सऊदी में जाके हम लोग खेले, लेकिन जो फर्स्ट राउंड था हम लोग देखे दिन में धूप में, एक मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये सब क्या सोच रहे हो? नहीं, ये आपका अच्छा सुझाव है, सवाल भी अच्छा है। हम लोग आज ये भी बात को चर्चा में रखा कि ये ऐसा इन दिनों जब हम इतने कॉन्फेडरेशन के साथ हमें
बात करने का, चर्चा करने का अवसर मिलता है तो हम सीख पाते हैं। ऐसा 35 डिग्री 37 डिग्री के ऊपर होने से फुटबॉल वो खेलते नहीं है, कूलिंग ब्रेक लेते हैं या वहाँ फुटबॉल नहीं होता है। हमारे यहाँ तो 37-38 डिग्री नॉर्मल है, हम तो इसी में खेलते हैं। तो इसको एड्रेस करने के लिए हमने ये तय किया है, ये निर्णय किया है कि अप्रैल मई में हम चाहेंगे कि यहाँ पे फुटबॉल ना हो, या कम से कम मई में बिल्कुल फुटबॉल ना हो। मई में रात को भी फुटबॉल होने से जो ह्यूमिडिटी होता है, जो डिहाइड्रेशन होती है, उसमें प्लेयर के इंजुरी ज़्यादा होता है, कि पेस ऑफ द गेम घट जाता है। तो हमने इस बात को रखा, लेकिन क्या है कि EFF सिर्फ और सिर्फ डिक्टेट नहीं कर सकती है टॉम, कैलेंडर को भी देखना पड़ता, और इंटरनेशनल AFC का भी कुछ चैम्पियनशिप होती है, उस सारे विषय को देखते हुए हम लोग इसको करेंगे। इसीलिए 3 बजे मैच हो हम भी नहीं चाहते हैं और ये होना भी नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग चेंज करके, और ये भी हम प्रयास करेंगे कि यदि ISL का मैच वीकेंड में हो और 5 बजे 7:30 बजे हो तो आई लीग का मैच भी उसी समय हो। यदि संतोष ट्रॉफी हम करते हैं तो कम से कम 4:30-5 बजे करें, 3 बजे नहीं, या तो विंटर टाइम पे करें, ये हम करेंगे। ऐसा फेड कप का भी आज हमने बात रखा, हो सकता कि अभी इस यहाँ पे हम बैठ के आज के समय पे मैं नहीं कह पाऊँगा कुछ, लेकिन ऐसा भी हो सकता कि फेड कप को लेकर के हम सोच रहे हैं या EFF सोच रही है और इस पर स्टेक होल्डर के साथ बात हो रही है। जैसा आपने बताया जमीनी सतह पे फुटबॉल है, जैसे आपने बताया सिर्फ केरला या बंगाल या महाराष्ट्र में नहीं है, आपने अध्ययन किया भी होगा, आपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपने पूरा अध्ययन किया, कुछ बता सकते हैं उस अध्ययन में क्या निकला, कहां कहां किस तरह की परेशानियां हैं फुटबॉल खेलने वालों को, क्योंकि यूपी हमने कुछ जगह देखा है जहाँ पे बुनते हैं, बुनाई करते हैं, हैंडलूम चलाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फुटबॉल खेलते हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं, ग्राउंड नहीं, ग्राउंड है तो पानी भर जाता है, बहुत सारी समस्याएं, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये देखिए, जैसा कि मैं और सेक्रेटरी जनरल भारत के कई प्रदेशों में हम दोनों गए हैं, और जहां फुटबॉल हो रहा है जिस तरह से, या तो और बेहतर हो सकता है, इस विषय पे हमने स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्टेट एसोसिएशन के साथ हमने बात की। अभी आप देखे होंगे कि पिछले महीना मणिपुर में 28 तारीख को ट्रेनिशन कप हुआ था, पहली बार मणिपुर में बहुत सारे लोग जो है नेशनल फ्लैग लेकर के भारत का जय जयकार किया है, तो एक अच्छा है। वहाँ पे स्टेडियम की कैपेसिटी 29,000 के आसपास था, 25,000 के आसपास था, जबकि 29,911 के आसपास लोग हुए, बाहर फैन जोन में लोग आए। इम्फाल एक छोटा सा जगह है, बहुत सारे असुविधाएँ हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन फुटबॉल इतना सही है वहाँ पर। ये भी आपने जैसा कहा कि यूपी, तो अभी हमारा अभी तक, चूँकि हम भी आए हैं आपसे, मैं समझता हूँ कई बार मिलना भी हुआ है हमारा, तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इन 3 प्रदेशों में अभी हमारा जाना नहीं हुआ, तो हम आशा करते हैं कि अगली बार हम जब आपसे मिलेंगे इन 3 प्रदेशों के दौरा करेंगे और फिर वहाँ किस तरह से फुटबॉल को बेहतर किया जा सकता है उस विषय पे भी बात करेंगे। लास्ट, कल्याण जी, विनायक फ्रॉम ट्रिब्यून, पहले आप ये बताइए कि आपने इतने स्पेसिफिक अमाउंट पे कैसे अराइव, व्हाई नॉट 5 लाख, व्हाई 3.2 लाख, इसके में आपने कैसे अराइव किया? दूसरा, एज आई अंडरस्टैंड, दिस इज अ पॉलिसी डिसीजन, मिनिमम वेज, व्हाट इफ अ क्लब डज नॉट गिव दैट मिनिमम वेज, व्हाट विल द EFF डू अगेंस्ट द क्लब? देखिए, 3.2 लाख के हम तो, मेरा बस चले तो मैं 30 लाख देने के लिए बोलूँ, लेकिन क्लब के लिए तो संभव नहीं है ना, और ऊपर सीमा, ऊपर का तो कोई सीमा होता नहीं है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। हमें भी सोचा कि क्लब को भी इतना ना परेशानी में डाले कि बाद में वो मजबूर हो जाए फुटबॉल के साथ अपना दूर हो जाने के लिए, वो सोचे कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमने दोनों तरफ संतुलन रखते हुए इसको सोचा, निर्णय लिया। और दूसरी बात यह है कि जो क्लब, ये तो पॉलिसी है ना, क्लब लाइसेंसिंग प्रक्रिया है, आप यदि नहीं इसको फॉलो करते तो डेफिनेटली आप उस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे, ये तो जाहिर ही बात है, तो ना फेडरेशन की नेशनल पॉलिसी है, सो यू हैव टू अबाइड बाय द रूल्स एंड लॉ। यहाँ तो मेरा ये सवाल है कि आप फॉरेन प्लेयर्स को खत्म कर रहे हैं, 90s में जब फुटबॉल इंडिया का ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था तो ये महसूस किया गया कि भाई नेशनल लीग होना चाहिए, लीग होगा, फॉरेन प्लेयर्स आएंगे तो हमारे प्लेयर्स का स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा, उनका वर्क कल्चर देखेंगे, उनका हार्ड वर्क देखेंगे, तो फुटबॉल में ऐसा कुछ चेंज आया नहीं। फिर आया कि भाई आई लीग होना चाहिए, आई लीग हो गया, ISL होना चाहिए, और फुटबॉल की स्थिति थोड़ी सी वैसी सुधर नहीं पाई जैसी होनी चाहिए। तो आप एक तरफ तो फॉरेन प्लेयर्स को खत्म कर रहे हैं इंडियन फुटबॉल से, दूसरी तरफ आप फॉरेन कोचेज ला रहे हैं, विभिन्न के लिए भी आपने बताया कि स्पेन से बात हो रही है, तो जो हमारे फुटबॉल के जो कोचेज हैं
वो कैसे ग्रो करेंगे फिर, उनके भी चांसेस खत्म होते हैं अगर फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, एक चीज। और दूसरी ये कि विमेन लीग पे जो आपने बात की स्टेट की लीग होगी सबकी, तो क्या सारी स्टेट यूनिट से आपकी बात हो गई है, सब एग्री कर रहे हैं इसमें? जी हम बिना उनसे बात किए आपके सामने कैसे बात रखे, है ना? तो हम तो बात करके आए तभी। समस्या है कि जैसे दिल्ली में वुमेन की लीग होती है तो इसमें मोस्टली पंजाब की, हरियाणा की, राजस्थान की, इधर की लड़कियां के खेलती हैं, तो अगर उन स्टेट्स में भी लीग होगी, यहाँ भी लीग होगी, तो वो कैसे करेंगे? एक स्टेट की दूसरे स्टेट में लड़कियाँ तो खेलेंगी? सर क्या है, अभी हमारे यहाँ जो एक CRS सिस्टम हो गया है उसमें ये सारे विषय का जो है समाधान है, तो आप यदि उसको थोड़ा सा देखेंगे गौर से आप समझ जाएंगे। और ये फॉरेन प्लेयर हमने ख़त्म नहीं किया। सन 2000 में जर्मनी ने यूरो कप में बहुत ख़राब प्रदर्शन किया था, तो बाद में उन्होंने जब एक इंटरनल उन्होंने एनालिसिस रखा तो उन्होंने देखा कि बहुत कम पैसे में साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका से प्लेयर रखे जर्मनी में खेलते हैं, और क्योंकि यूरोप के एक मिनिमम वेजेस है, आप नहीं भी खेलते हैं तो भी आपको कहीं काम करते हैं तो आपको पर आवर एक यूरो मिलता है, तो उससे क्या है उससे कम पैसे में ये खिलाड़ी खेलते थे। तो जो लोअर डिवीजन है, लोअर डिवीजन में जर्मन खिलाड़ी खेलते नहीं थे, इससे क्या हो गया कि लोअर डिवीजन से अब जर्मन खिलाड़ी नहीं खेलते हैं तो ये जो डेवलपमेंट जो प्रक्रिया है उसमें जर्मन पीछे हो जा रहे थे, जिस कारणवश उन्होंने 2000 में इनका खराब प्रदर्शन रहा यूरो चैम्पियनशिप में। तो इन्होंने तुरंत क्या किया, उनके वहाँ पे 7 लीग होती है, 7 डिवीजन लीग होती है, उसमें से बुंदेसलीगा 1 और 2 छोड़ करके बाकी सब जगह में फॉरेनर बंद कर दिए। तो क्या होता है, जब आपके देश के टॉप डिवीजन होता है, टॉप डिवीजन आप मेरिट पे आते हो, आपका अच्छा मेरिट है क्योंकि वहाँ पे देश के विश्व के सभी टॉप प्लेयर्स खेलते हैं, लेकिन जब नीचे वाले आते हैं फिर मेरिट पे नहीं आते, क्योंकि आपका भी आपका बच्चा भी मान लीजिए वो नॉविस है, दूसरा भी। हमारे देश में क्या होता है, इट इज़ मोर ऑफ फिजिकल सुपीरियरिटी। एक हम आपके पास मान लीजिए 5 फीट 7 इंच, 5 फीट 9 इंच के लड़का जिसकी बॉडी वेट 65 to 70 के आसपास है, वो फिजिकली हार जाते हैं एक अफ्रीकन लड़के के पास, तो फिर उसको स्कोप नहीं मिलता, फिर देयर यू आर नॉट एनकरेजिंग द मेरिट, देयर यू आर, आप किससे हार रहे हो, आप फिजिकल एबिलिटी के साथ हार रहे हो। आप कैसे बॉक्सिंग में अच्छा कर लेते हो, क्योंकि आप सेम वेट के साथ लड़ते हो, आप क्यों फुटबॉल में नहीं कर पाते हो, क्योंकि उस पर कोई वेट का ये नहीं है, सीमा नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उसी को सोचे कि बॉटम जो है, लोअर डिवीजन जो है, लोअर डिवीजन है ना, अपने बच्चों को खेलने का ज़्यादा मौका दे, ज़्यादा अवसर दे। ये रहा एक बात। वो तो फॉरेन प्लेयर खेले ना टॉप डिवीजन में, यदि वो अच्छा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, जूझ सकते आकर के खेले, ISL है उनके लिए, ओपन मार्केट है, आई लीग है ओपन मार्केट, देश में 24 टीम है, 24 टीम में कम से कम यदि हम एवरेज 5 प्लेयर भी मानते हैं, फिर भी आप ले दे के 120 फॉरेनर की जगह दे रहे हो, इससे अधिक क्या चाहते हो? आपकी दूसरी बात है फॉरेन कोच की। हमारे पास क्या है, आज की तारीख में देश में जो जनसंख्या जितनी है उस हिसाब से हमारा कोच बहुत कम है, हमारे पास सिर्फ 19 के आसपास ए लाइसेंस कोच है। तो हमने कोचेस डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम रखा है उस पर हमने रखा अगले 3.5 साल में हर प्रदेश से जो छोटी प्रदेश है उससे 50 कोच, 50 एक्स प्लेयर मान लीजिए, जो जिनके साथ फुटबॉल कभी ना कभी वो फुटबॉल के साथ जुड़े थे, और UP, महाराष्ट्र, बंगाल जैसे बड़ी प्रदेशों में वो 80-100 वो एक्स प्लेयर को जोड़ दें, तो स्टेट एसोसिएशन हमें नाम भेजेंगे, हम उनको क्या करेंगे, कोचेस एजुकेशन देंगे। तो इस हिसाब से हमारा अगले 3 साल में मान लीजिए हर प्रदेश से यदि हम एवरेज 50 मानते हैं तो 1800 कोच होना चाहिए हमारे पास ए लाइसेंस, आज आपके पास सिर्फ 19 है। तो हम जब 3 साल के बाद 1800 कोच हो जाएंगे तो डेफिनेटली हमें इस तरह की आवश्यकता नहीं होगी बाहर से कोच लाने की। और रही बात दूसरी बात, मान लीजिए अभी हमारे कोचेस उतने एजुकेटेड नहीं हुए इन द सेंस ऑफ फुटबॉल एजुकेशन नहीं हुए हैं जो कि हम वर्ल्ड के साथ जूझ सकें। जब हम हो जाएंगे उस तरह तो डेफिनेटली हम अपने लोगों के लिए हम प्रयास करेंगे कि जितने अपने लोग इस पर काम करें उतनी अच्छी है। ठीक है, थैंक यू।